हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश मैरीगोल्ड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट। डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह उठना पसंद करते हैं? सी व्हाट द चाइल्ड, चलिए देखते हैं कि चाइल्ड इन द पोएम फील्स, कि मतलब जो पोएम में ये जो बच्ची है छोटी, वो क्या महसूस करती है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि हम जो है कि पहले इस पोएम को पढ़ते पढ़ते ही कई बार इसको रिपीट कर लेंगे, तो शायद आपको भी याद हो जाएगा और आपको बहुत इससे मदद मिलेगी। मदद इसलिए मिलेगी क्योंकि एक बार हम पोएम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कुछ मीनिंग्स जानेंगे और उसके बाद हिंदी में अनुवाद जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग पोएम का नाम है। अब गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स डैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play. इसमें बच्ची कह रही है गुड मॉर्निंग स्काई। गुड मॉर्निंग स्काई मतलब आसमान को, गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, और गुड मॉर्निंग का मतलब था सुप्रभात, तो सुप्रभात सूर्य। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स डैट रन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंग डैट रन, जो सुबह के समय हवा चल रही होती है, बच्ची उसको बोल रही है कि गुड मॉर्निंग लिटिल विंग डैट रन। यहाँ लिटिल से छोटा नहीं है, लिटिल से जो धीरे स्लो स्लो हवा सुबह चलती है, ये उसकी बात कर रही है बच्ची। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग चिड़िया, गुड मॉर्निंग ट्रीज, और ये गुड मॉर्निंग पेड़ों, एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। और क्रीपिंग ग्रास से मतलब होता है जो घासें ज़मीन पर छैली होती हैं या अभी जो बढ़ रही हैं। एंड ब्राउनी बीज, और एंड ब्राउनी बीज जो भूले रंग की मधुमक्खियाँ होती हैं, ये उनको बोल रही बच्ची कि एंड ब्राउनी बीज, और ब्राउनी बीज को भी गुड मॉर्निंग। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वाज डे, आप ये कैसे पता करती हैं कि आपको कैसे पता चला है, या आपने कैसे जाना कि इट वाज डे, यह दिन हो गया है। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, और आपको ये किसने बताया कि रात जा चुकी है। आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, मैं अब जग भी गई हूँ। आई विल बी राइट आउट टू प्ले, मैं जल्द ही बाहर आऊँगी टू प्ले विथ यू, आपके साथ खेलने के लिए। नीचे आते हैं और देखते हैं नी वर्ड्स कुछ हैं जो क्रीपिंग है। क्रीपिंग का आपको मैंने हिंदी ऑलरेडी बता दिया है, वे घासें जो नीचे फैली होती हैं या जो मैदान में नीचे छैल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी उनकी हाइट नहीं होती है और वो धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं, उन्हें क्रीपिंग बोलते हैं। अवेक मतलब जगना, गॉन अवे मतलब जा चुके हैं। ओके, इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसकी पीपीटी मैं जल्दी ही बना करके और फिर ऐसे ही एक शानदार वीडियो लेके आऊँगा, तो अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। हेलो बच्चों, आज के इस पोएम में हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम गुड मॉर्निंग है उसके एक्सरसाइज को देखेंगे। और तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी, पोएम में जो बच्चा है वो खुश क्यों है। आंसर होगा द चाइल्ड इन द पोएम इज़ हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग नाउ एंड द नाइट इज़ ओवर, बच्चा इसलिए खुश है क्योंकि अब सुबह का समय है एंड द नाइट इज़ ओवर, और रात जो है बीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है टू होम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग, बच्ची जो है वो किसको किसको गुड मॉर्निंग बोलती है। द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, जो बच्ची है वो गुड मॉर्निंग किसको किसको बोलती है, इसमें नाम दे रखा है कि बोलती है टू द स्काई, स्काई को, द सन सूर्य को, विंड हवा को, बर्ड्स जो चिड़िया हैं उनको, ट्रीज जो पेड़ हैं उनको, ट्रीज ग्रास और जो घास हैं, यहाँ कॉमा लगाना छूट गया है, एंड बीज, और बीज मतलब मधुमक्खियों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, बच्ची जो है वो क्या करना चाहती है। तो आंसर होगा द चाइल्ड वांट्स टू प्ले विद द बर्ड्स एंड बीज, जो बच्ची है वो चिड़ियों और मधुमक्खियों के साथ खेलना चाहती है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर फोर है, ये है टाक एक्सरसाइज जो बात करनी है। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन ऊपर दिया है इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, सुबह में क्या बोलता हूँ मैं गुड मॉर्निंग, ये आपको भी करना है। सुबह में क्या बोलना है आपको, गुड मॉर्निंग। एट नाइट आई से गुड नाइट, रात में मैं बोलता हूँ गुड नाइट, तो आपको भी रात में सबसे गुड नाइट बोल के सोना है। ए डॉग सेज बो वो, डॉग जो है भों भों करता है। ए काऊ सेज,
जो एक गाय है वो कहती हैं मो मो, जो अपने वो भाषा में बोलती हैं, द गुड मॉर्निंग इन योर, से गुड मॉर्निंग इन योर ऑन लैंग्वेज, मतलब अपने भाषा में जो है गुड मॉर्निंग कहिए किसको, टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त को। तो अपने दोस्त को आप कैसे बोलेंगे, तो इसका आंसर है आई से गुड मॉर्निंग पारुल, मतलब पारुल जो है वो एक फ्रेंड का नाम है, तो उसको बोलना है गुड मॉर्निंग पारुल। फिर आप अपने टीचर को कैसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, आई से गुड मॉर्निंग मैम, तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल एट द इवनिंग, आप जब शाम के समय में स्कूल छोड़ते हैं या स्कूल से घर को जाते हैं छुट्टी के समय में, तो आप उन्हें कैसे विश करेंगे। तो आंसर होगा व्हेन आई, आपको लिखना है यही क्वेश्चन, अरे आंसर ऐसे ही, व्हेन आई लीव स्कूल, आई से जब मैं स्कूल छोड़ती हूँ या जब मैं स्कूल छोड़ता हूँ तो मैं बोलता हूँ गुड बाय फ्रेंड्स, मतलब गुड बाय दोस्तों, टू ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दोस्तों को यही बोलता हूँ, तो आप भी यही बोलेंगे, आई से गुड बाय मैम टू माई टीचर, और मैं अपने टीचर को गुड बाय मैम बोलता हूँ, तो आपको भी बोलना है गुड बाय मैम। सेकेंड पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट अस से अलाउड फाइंड वर्ड्स इन द पोयम विच रेम्स विथ, कह रहा है कि चलिए इसे अलाउड मतलब थोड़ी तेजी से बोलते हैं, क्या ये जो वर्ड्स हैं जो तुकांतक शब्द बोलते हैं इनको, जिनके जैसे बीज ट्रीज, तो ऐसे मिल रहे हैं ना लास्ट में, बीज ट्रीज, डे अवे टू यू, तो ये जो है इनको थोड़ी तेज तेज आपको कई बार प्रोनाउंसिएट करना है, कई बार बोलना है, जैसे बोलना है बीज ट्रीज डे अवे टू यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू योर सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट, आपके चारों तरफ जो है कि दिन और रात को क्या दिखता है, ड्रॉ इन द टू बॉक्सेस गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर, आप उन्हें बनाइए जो भी दिखता है और उन्हें उनमें कलर भरिए। तो यहाँ मैंने भर के बता दिया है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आंसर है डे, दिन में क्या दिखता है, सन दिखता है, हरे भरे खेत दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं। एंड नाइट में क्या दिखते हैं, नाइट में जो है कि पेड़ पौधे दिखते हैं जो कि परछाई की तरह बिल्कुल दिखते हैं, काले काले, आपको ये नहीं समझ में आएगा, पेड़ तो है ये समझ में आएगा लेकिन किसके पेड़ नहीं पता चलेगा, मून दिखता है इस तरीके से, घर दिखते हैं, तो आपको इतना बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राउल राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर यू हैव, जो आप पिक्चर ऊपर ड्रॉ किए हैं उसमें से दो वर्ड लिखिए, तो डे में क्या दिखता है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, एंड चीपिंग बर्ड्स, चीपिंग बर्ड्स का मतलब होता है कि जो चिड़ियाँ चचहाती हैं, चीपिंग मतलब होता है चचहाना और बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, जो चिड़ियाँ चचहाती हैं, और रात की जो फिगर है, रात का जो चित्र बनाया है उसमें क्या है, ये देख लीजिए, रात के फिगर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, और उसमें देखिए एक मून दिखता है, मून की लाइट, चंद्रमा की रोशनी, और दूसरा ब्लड, अरे बर्ड, सॉरी ब्लड नहीं, बर्ड, बर्ड जो है जो सो जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्म ग्रुप, मतलब ग्रुप बनाइए, टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव सीन इन द गार्डन वन, जो ऊपर गार्डन दिया था पोएम में, जो गार्डन बनाया है जिसमें बच्ची का फोटो लगा हुआ है, पौधे हैं, चिड़ियाँ हैं, बीज हैं, तो उनमें आप एक ग्रुप बनाइए और डिस्कस करिए कि आपने कौन कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग्स को देखा। तो चलिए देखते हैं थर्ड पेज पे कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ को आपने देखा, वो चीज़ है आंसर में लिखेंगे, लास्ट संडे मतलब जो बीता है संडे, पिछले संडे को आई वॉज प्लेइंग विथ माई ब्रदर इन द गार्डन, मतलब आप जो है, मैं जो है प्ले कर रहा था, खेल रहा था विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ इन द गार्डन, गार्डन में देर वेयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वहाँ क्या थे, सुंदर फूल थे, ऑफ ऑल काइंड, मतलब कई प्रकार के, यहाँ पे सभी नहीं बोलेंगे क्योंकि सभी प्रकार के फूल एक गार्डन में लगाना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए ऑफ ऑल काइंड मतलब कई तरह के फूल थे, कलरफुल बटरफ्लाई वेयर वांडरिंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जो रंग बिरंगी मधुमक्खियाँ थीं वेयर वांडरिंग फ्रॉम, वो एक फूल से दूसरे फूल पे वांडर कर रही थी, माई ब्रदर एंड आई वांटेड टू टच द बटरफ्लाइज, मैं और मेरा भाई जो है क्या चाहता था, टच करना चाहता था बटरफ्लाइज को, एज वी वेंट नियर द बटरफ्लाई, जैसे ही हम बटरफ्लाइज जो जो तितलियाँ थी उनके पास गए, दे फ्लीव अवे, वे उड़ गई, वी ट्राइड मैनी टाइम्स बट वी कुड नॉट, हमने कई बार कोशिश किया बट वी कुड नॉट, मतलब हम उन्हें टच नहीं कर पाए। अब
आपको आशा करते हैं कि समझ में आएगा, क्लास अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द ही पूरी बुक की जो है समरी या पूरे बुक को पढ़ाएंगे आपको। इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वाज इन स्कूल प्लेग्राउंड। जो मैजिक गार्डन है वो कहाँ था? एक स्कूल के प्लेग्राउंड में था। इट वाज वेरी प्रेटी, ये बहुत ही खूबसूरत था। सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। कह रहा है कि सनफ्लावर में सूर्यमुखी एंड रोजेज जो गुलाब के पौधे थे वो स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, वो दीवारों के सहारे जो है कि ऊपर तक खड़े थे। देयर वेयर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, वहाँ जो है कि मैरीगोल्ड्स भी थे, पॉपीज और पेंसीज भी वहाँ पे थे। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। कह रहा है कि द सनशाइन फेल ऑन द गार्डन मोर देन सनशाइन, जो सूर्य की रोशनी थी वो वहाँ पे जहाँ पे मैजिक गार्डन था वहाँ ज़्यादा पड़ती थी अन्य किसी भाग की तुलना में। द फ्लावर डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। कह रहे हैं कि जो फ्लावर थे, जो फूल के पौधे थे, वो डांस कर रहे थे एंड सैंग हैप्पीली, और गाना गा रहे थे खुशी से। दे सेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे से कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डन, हमारे पास 100 गार्डेनर्स हैं, छोटे गार्डेनर्स मतलब माली। दे वेयर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल, और वो कौन थे? वे स्कूल के जो है कि बच्चे थे, चिल्ड्रेन जो स्कूल में पढ़ते थे। द सनी मॉर्निंग द फ्लावर वेयर टॉकिंग टू बर्ड्स, एक सनी मॉर्निंग को द फ्लावर्स वेयर टॉकिंग टू द बर्ड्स, जो पौधे थे वो किससे बात कर रहे थे? पंछियों से, चिड़ियों से बात करते हैं और बोलते हैं आई लव ऑल द चिल्ड्रेन, हम सभी बच्चों को प्यार करते हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन हम जो है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको ज़्यादा चाहते हैं। सेड ए पॉपी, पॉपी ने बोला, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। कह रहा है कि आई लाइक देम, हम उन्हें इसलिए भी लाइक करते हैं कि टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस, वो जो वाटरिंग कैन मतलब पानी से भरा हुआ कैन लेके आते हैं, एंड वाटर माई थर्स्टी रूट, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, रूट्स मतलब जड़ें, और वो मेरे प्यासी हुई जड़ों को पानी देते हैं। यस सेड द मैरीगोल्ड, हाँ मैरीगोल्ड बोला, द बॉयज़ आर गुड टू अस टू। कह रहा है कि द बॉयज़ आर गुड, जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, और वो क्या करते थे? ग्राउंड मतलब खोदना, डिग मतलब खोदना होता है, डिग द ग्राउंड, वो अच्छे से ग्राउंड को खोदते भी थे, जहाँ पे कुड़ाई का काम जिसे कहते हैं वो करते थे। आगे चलते हैं, वी लव द चाइल्ड लिटिल चिल्ड्रेन, हम जो है कि छोटे बच्चों को प्यार करते हैं। सेड द टिनी बर्ड, जो छोटी चिड़िया थी उसने कहा, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड्स फॉर अस। कहती है कि दे आर काइंड, वो जो है कि दयालु हैं, एंड दे ब्रिंग, और वे लाते हैं ब्रेड्स फॉर अस, ब्रेड मतलब होता है एक तरह से रोटी कह लीजिए या ब्रेड ही कह लीजिए, तो वो ब्रेड हमारे लिए लाते हैं। ऑल द फ्लावर सेट, सभी पौधों ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी, तो सभी फूलों ने कहा कि वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें और ज़्यादा क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी, हमारे ड्रेस को और प्रीटी मतलब सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए। फॉर द चिल्ड्रेन विल बी हेयर सून, और अब बच्चे यहाँ आते ही होंगे। द सन सेड, सूर्य कहते हैं, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी आप लोगों की मदद करूँगा, किस लिए? वो अपने जो ड्रेस को और अच्छा बनाने की बात करते हैं उसके लिए। फॉर नथिंग ऑल्सो, फॉर नथिंग प्लेजेस मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रेन रनिंग अबाउट द गोल्डन सनशाइन। सडनली द चिल्ड्रेन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, अचानक ही बच्चे आ जाते हैं कैसे? नाचते हुए, गाते हुए और हंसते हुए। एंड द फ्लावर स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन देम, और वो जो क्या कर देते हैं, जो पौधे होते हैं वो स्टॉप देयर सॉन्ग्स, वो अपने गाना बंद कर देते हैं, अपने गानों को बंद करने टू लिसन देम, और वो बच्चों को
के गान बच्चों को सुनने लगते हैं या बच्चे जो गाना गा रहे थे उनको सुनते हैं, ओह लुक एट द टाल सनफ्लावर, अरे देखो वो लंबा सूर्यमुखी, सेड वन चाइल्ड, एक बच्चा कहता है, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट है इट्स हेड वेरी प्राउडली, और यह सुन के सनफ्लावर जो सूर्यमुखी का पौधा होता है वो अपने प्राउडली मतलब गर्व से अपने आप को लिफ्टेड हेड अपने सर को ऊंचा कर लेता है। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरा बच्चा कहता है, आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, मैं मैरी गोल्ड को उसके गोल्डन ड्रेस में और चाहता हूँ। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और मैरी गोल्ड भी खुशी से मुस्कुरा देती है। इट वॉज इनडीड ए मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू, कह रहा है कि यह वास्तव में जो है कि मैजिक गार्डन था, जादुई गार्डन था, बिकॉज इट हैज़ फेरीज टू, क्योंकि इसके पास इट हैड फेरीज टू, उसके पास परियाँ थीं। दे डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स, वो नाचती थीं और सैंग स्वीट सॉन्ग, वो मीठे गाना सुनाती थीं, विच ओनली द चिल्ड्रेन कुड हियर, जो कि बस केवल बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर अ टाइम ए फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रेन, आफ्टर ए टाइम कुछ ए टाइम एक ही क्षण या कुछ क्षण बाद, द फेरीज कम जो परियाँ थीं वो केम आउट आई एंड डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रेन, वो उनसे डांस करती हैं एंड टॉक विद द चिल्ड्रेन, वो बच्चों से बातें करती हैं। देयर ड्रेसेस वेयर मेड ऑफ फ्लावर्स, उनके जो ड्रेस थे वो किससे बने हुए थे, फूल से बने हुए थे। एंड देयर विंग्स आर सन और एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके जो विंग मतलब होते हैं पंख थे वो किसके थे, सनशाइन के थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, उस रात मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट बहुत शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर एज स्लीप एज ड्रीमिंग ऑफ नेक्स्ट डे वेन द चिल्ड्रेन वुड कम अगेन, कह रहा है कि द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट एट दैट नाइट, द फ्लावर एंड बर्ड वेयर एज स्लीप, द जो पौधे थे एंड फूल थे वो क्या हुए थे, एज स्लीप मतलब सो चुके थे, एंड ड्रीमिंग फॉर द नेक्स्ट डे वेन द चिल्ड्रेन, और वो क्या कहते हैं, ड्रीमिंग मतलब स्वप्न देख रहे थे, फॉर नेक्स्ट डे अगले दिन के लिए, वेन द चिल्ड्रेन वुड केम अगेन जब बच्चे पुनः आएंगे। न्यू वर्ड्स क्या क्या हैं इसमें, मैजिक गार्डन गार्डेनर्स प्लेग्राउंड सनशाइन गोल्डन ड्रीमिंग, मैजिक मीन्स होता है जादुई, गार्डन मतलब होता है गार्डन, आप जानते ही हैं जो इस मैजिक गार्डन जिसमें ढेर सारे फूल्स वगैरह होते हैं वो गार्डन मीन्स बगीचा होता है, गार्डेनर्स मीन्स माली, प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान, सनशाइन मीन्स सूर्य की रोशनी, गोल्डन मतलब सोना सुनहरा, ड्रीमिंग मतलब स्वप्न देखना। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के एनसीईआरटी यूनिट सेकेंड मतलब चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है बर्ड टॉक। बर्ड टॉक की समरी ये है कि दो चिड़ियाँ होती हैं, एक का नाम होता है रॉबिन और एक का नाम जय, ये दोनों आपस में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, तो ये ह्यूमन बींग मतलब इंसान के बारे में बात करते हैं, और क्या बात करते हैं तो चलिए देखते हैं पोएम में। थिंक सेड द रॉबिन, रॉबिन कहती है जरा सोचो, थिंक सेड द जय, और जय भी यही कहती है सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, एक दिन ये जय और रॉबिन जो है बात करते हुए बात कर रही थी, और कहाँ बैठी हुई थी, एक गार्डन में बैठी हुई थी। थिंक अबाउट द पीपल, जरा आदमियों के बारे में सोचो या लोग के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, वो कैसे बढ़ते हैं, उस वे के बारे में सोचो जैसे जिससे वो बढ़ते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पास क्या होता है, फेदर्स मतलब पंख नहीं होते हैं, एट ऑल यू नो, ये तो तुम जानते ही हो। दे डोंट ईट बेटल्स, वो बेटल्स मतलब होता है जो चिड़ियाँ चूंगती हैं, वो जैसे मैं कीड़े मकोड़ों को खाना, इसको बेटल्स बोलते हैं। दे डोंट ईट बेटल्स, वो बेटल्स नहीं खाते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके विंग्स नहीं होते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, और वो वायर्स मतलब तार और थिंग्स किसी वस्तुओं पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। थिंक सेट द रॉबिन, रॉबिन कहती है जरा सोचो। थिंक सेट द जय, और जय भी कहती है जरा सोचो। आर नॉट हैव पीपल फनी टू बी डेट वे, एज आर नॉट पीपल फनी, क्या लोग मजाकिया नहीं होते हैं, टू बी डेट वे। एंड न्यू वर्ड्स क्या है, बेटल्स, बेटल मतलब वो कीट पतंगे या कीड़े मकोड़े, सिटिंग मतलब बैठना, वायर्स मतलब जो है कि तार, और फनी मतलब मजाकिया। बस इतना ही था पोएम में, और थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक्स, बाय।
हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड का एक पोयम है जिसका नाम है बर्ड टॉक। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर या ये कहें तो इसका जो है कि एक्सरसाइज देखेंगे जिसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम। जो इन दो पोयम अरे इन पोयम इस पोयम में जो दो बर्ड्स होती हैं, दो बर्ड्स का मतलब है कि जो दो बर्ड्स आपस में बातें कर रही होती हैं, तो उनका नाम बताइए। तो उसमें जो दो बर्ड्स होती हैं उनमें से एक का नाम होता है रोबिन और जो सेकेंड बर्ड्स होते हैं उसका नाम जय होता है। तो द टू बर्ड्स इन द पोयम आर रॉबिन एंड जय। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री थिंग्स डैट पीपल कांट डू। वो जो चिड़िया होती हैं वो आपस में बात करती हैं, तो उसी में से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स डैट पीपल कांट डू। वो तीन चीज़ें क्या हैं जो पीपल कांट डू, मतलब लोग हम लोग या ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हैं। बट इसका सेंस ये है, डायरेक्टली तो इसने पूछा नहीं है, लेकिन सेंस ये है कि ह्यूमन बींग्स तो नहीं कर सकते हैं बट जो है कि बर्ड्स कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी नहीं करते हैं और कोई भी करता है तो लिख दे, नहीं, इसमें ये लिखना है आंसर में जो बर्ड्स कर सकती हूँ बट ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हूँ। तो वो है, आइए देखते हैं, द पीपल कैंट ग्रो विंग्स। लोगों को जो है कि विंग्स नहीं ग्रो होते। द पीपल कांट ईट बीटल्स, ये जो है कि कीट पतंगे नहीं खाते। और सिट ऑन वायर्स, और ये वायर जो तार होते हैं बिजली के, ये उन पे भी नहीं बैठते। लेकिन इन तीनों चीज़ों को जो है कि बर्ड्स कर लेती हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू बर्ड्स थिंक्स ऑफ पीपल। जो बर्ड्स होती हैं, जो दो बर्ड्स बात कर रही हैं पोएम में, वो पीपल के बारे में क्या सोचती हैं। तो वो ये सोचती हैं, बर्ड्स थिंक, वो सोच जो बर्ड्स बात करती हैं वो सोचती हैं, पीपल आर वेरी फनी, जो लोग हैं वो क्या हैं, बहुत ही फनी हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इमेजिन मतलब होता है हिंदी कल्पना करिए। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में ही अंडरस्टैंडिंग करिए। हर बात का या हर वर्ड्स का मीनिंग जानने का कोशिश ना करिए। वैसे जितना होगा हम बताएंगे, हम चाहेंगे कि आप अंडरस्टैंडिंग करिए, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ही मीनिंग बताएंगे, अदरवाइज़ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर देते। लेकिन ठीक है, जितना हो सकेगा उतना बताया जाएगा और बाकी आप समझने की कोशिश करिए। इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट वुड से ईच अदर अबाउट पीपल। कह रहा है कि ये जो दो एलिफेंट्स दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे इसमें, ये जो दो एलिफेंट दिख रहे हैं, तो इसमें जो है कि इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट वुड से टू ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या कह रही होती हैं या कह रही होंगी ईच अदर, एक दूसरे से, अबाउट पीपल, लोगों के बारे में। और यहाँ पीपल से मतलब हम लोगों के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में। लेट देम टॉक अबाउट, ये है व्हाट पीपल लुक लाइक। ये आपस में जो है कि एलिफेंट्स आर टॉकिंग, ये आपस में जो एलिफेंट्स हैं वो बात कर रहे हैं कि एलिफेंट फर्स्ट कह रहे हैं कि लुक एट द मैन नोज, लुक एट द मैंस नोज। ये जो आदमी हैं या जो आदमी ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके नाक को देखो। एलिफेंट टू, सी हाउ स्मॉल इट इज, देखो ये कितनी छोटी है। बी क्वेश्चन है कि व्हाट दे ईट, इसमें से कोई एक पूछ रही है, तो एलिफेंट वन कह रही है कि डू यू नो व्हाट दे ईट, क्या तुम जानती हो कि वो क्या खाते हैं। एलिफेंट टू बोलती है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, इट्स स्ट्रेंज दे डोंट ईट ग्रास और बम्बू। लेकिन वो जो है कि यह स्ट्रेंज है कि वो क्या नहीं खाते हैं, डोंट ईट ग्रास, वो घास नहीं खाते हैं और बम्बू और बांस भी नहीं खाते हैं। सी क्वेश्चन नंबर सी, हाउ दे वॉक,
वो कैसे वॉक करते हैं. एलिफेंट फर्स्ट, लुक हाउ दोज मैन आर वॉकिंग, देखो वे जो आदमी हैं वो कैसे वॉक कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं. एलिफेंट टू, यस दे कांट वॉक ऑन फोर लेग, वो चार पैरों पे नहीं चल सकते. एक्चुअल में सच तो ये है कि चार पैर होते ही नहीं हैं, दो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं, तो ये आपस में बातें करें. पांचवा क्वेश्चन है, लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू. चलिए फाइंड करते हैं दो थिंग्स, दो चीज़ ऐसी फाइंड करते हैं विच यू कैन डू, आप कर सकते हैं, मतलब बच्चे कर सकते हैं या ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, एंड द बर्ड्स कांट डू, लेकिन जो चिड़ियाँ होती हैं वो नहीं कर सकती. टेल इन क्लास, टेल इन द क्लास, और ये चीज़ क्लासरूम में आपको बतानी है, बता सकते हैं आप. आंसर है फर्स्ट, वी कैन रीड बुक्स एंड राइट बट बर्ड्स कांट. हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बुक्स एंड राइट, और राइट कर सकते हैं मतलब लिख सकते हैं, बट बर्ड्स कांट, लेकिन जो चिड़ियाँ होती हैं वो नहीं कर सकती. सेकेंड है, वी कैन ड्राइव कार्स एंड स्कूटर्स बट बर्ड्स कांट. हम जो है क्या कर सकते हैं, स्कूटर और कार्स ड्राइव कर सकते हैं. और एक्चुअली मैं एक चीज़ याद रखिएगा, जो कार्स होती हैं उसके साथ ड्राइव यूज़ होता है बट स्कूटर के साथ यूज़ नहीं होता है. और आप जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये लिख के बताइए, और आंसर ज़रूर दिया जाएगा, अगर गलत होगा तो भी बताया जाएगा कि सही क्या है. ओके, वैसे बता ही देते हैं, स्कूटर के साथ या मोटरसाइकिल के साथ या साइकिल के साथ क्या लगता है, तो इसके साथ जो है राइड लगता है, RIDE. क्वेश्चन सिक्स है, लिसन द साउंड ऑफ द बर्ड्स, लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, क्रिप 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 स्पैरो, कह रहा है लिसन द साउंड, लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की जो है कि साउंड को सुनिए, मेक ए लिस्ट ऑफ दीज वर्ड, और जो साउंड सुनेंगे उनका एक लिस्ट बनाइए. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में के लिए लिख रखा है क्रिप क्रिप क्रिप, जो स्पैरो होती हैं वो क्रिपिंग करती हैं, क्रिप क्रिप बोलती हैं. और आंसर है, आंसर में हमने दो मेंशन किया हुआ, कू कू कू, जो कोयल होती हैं वो कू कू की आवाज़ निकालती हैं, एंड काँव काँव काँव, जो कौवे होते हैं वो काँव काँव की आवाज़ निकालते हैं. सेवेंथ है, नाउ राइट फोर सेंटेंस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, नेस्ट वाटर क्रिप फ्लाई स्काई विंग्स. इनमें से जो है कि चार वर्ड्स को आपको पिक करना है और चार सेंटेंस बनाने हैं, तो चलिए चार हम चूज करते हैं. चार हमने चूज करके जो लिखा हुआ है वो उसमें है, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्री, इसमें नेस्ट यूज किया गया, ठीक है, तो बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्री, बर्ड्स अपने नेस्ट को कहाँ बनाती हैं, ट्रीज पे ही ज़्यादातर बनाती हैं. सेकेंड, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई, इसमें स्काई यूज है. यहाँ पे राइट किया हुआ है ना कि ये देखिए, एक मिनट दिखाते हैं, वेट, यहाँ पे नेस्ट वाटर ये दिया हुआ है, तो इसमें देखिए मेंशन है, इसमें नेस्ट मेंशन है, इसमें जो है कि ये यहाँ स्काई दिया हुआ है, तो ये स्काई यहाँ मेंशन है. बर्ड्स मेक ए साउंड क्रिप क्रिप, और बर्ड्स क्या साउंड मेक करते हैं, क्रिप क्रिप, और यहाँ पे देखिए क्रिप दिया हुआ है, तो इन्हीं में से जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं पांच छह वर्ड्स, इन्हीं में से पिकअप करके, पिक करके आपको जो है चार सेंटेंस बनाना है. फिर फोर्थ, बर्ड्स ड्रिंक वाटर विथ देयर बीक, वो अपने जो है कि बीक से वाटर जो है कि टेक करती हैं, वो पानी पीती हैं. ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, राइट वर्ड्स दैट राइम्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला जो है वो डन कर दिया गया है और सेकंड मैंने डन कर दिया है, तो ग्रो नो थ्रो, तो इसका नीचे हमने आंसर लिखा हुआ डे बे से, उसके नीचे थिंक ब्रिंक पिंक, फनी बनी मनी, गेट ग्रीट मीट, सिंग विंग किंग. नाइन्थ है से अलाउड, से अलाउड का सेंस है कि तेज तेज बोलिए, तेज तेज क्या बोलना है, थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना, थिन, थिन मतलब होता है पतला,
और एक थिक होता है, थिक मतलब मोटा होता है, ठीक है, और ये थिन है, थिन मतलब पतला होता है। फिर है थ्री, थ्री मतलब तीन, दिस, दिस मतलब यह, पांचवा है डेट, डेट मतलब वह। ये थी आपकी एक्सरसाइज जो कि ख़त्म हो गई, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कि एक चैप्टर या एक पोयम था जिसका नाम था बर्ड टॉक, उसकी एक्सरसाइज उसको किया था, जितने भी एक्सरसाइजेस थे हमने किया था। और आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना एक लड़की का नाम होता है और बेबी स्पैरोज, बेबी मतलब बच्चे होते हैं, स्पैरोज मतलब स्पैरोज जो होती हैं उनके छोटे बच्चे होते हैं, जो कि नीना के रूम में उनका घोंसला होता है और उसमें ये बेबी स्पैरोज रहते हैं। बाकी सारी बातें हम इस स्टोरी में देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। नीना आंट वाज गेटिंग मैरिड, नीना की जो आंट थी वो गेटिंग मैरिज मतलब उनकी शादी हो रही थी, इसलिए उसके घर में काफ़ी जो है जॉय था। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, एक मिनट जस्ट वेट। नीना, हर फादर उसके पापा, मदर उसकी मम्मी एंड लिटिल ब्रदर और उसके छोटे भाई, वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग, सभी लोग दिल्ली शादी के लिए जा रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, सभी लोग खुश थे एक्सेप्ट नीना, नीना के अलावा। हर मदर लुक हर टू टुक हर, टुक है सॉरी, चमड़े की जुबान ना कभी कभी फिसल जाती है, सो डोंट माइंड। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस, उसकी मम्मी जो है नीना को लेके कहाँ जाती हैं, मार्केट में, क्या करने के लिए, टू बाई अ न्यू ड्रेस, नए कपड़े को खरीदने के लिए, न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर यू डू यू लाइक, मदर आस्क, मम्मी पूछती हैं कौन सा कलर पसंद करोगी, तो आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर, नीना सेड। तो नीना बोलती है कि आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस, मैं कोई नया ड्रेस नहीं चाहती। सलवार कमीज देन, तो मम्मा पूछती हैं कि सलवार कमीज, तो नीना सुक हर हेड, नीना अपने सर को हिलाती है और ना कर देती है। व्हाट अबाउट दोज लवली व्हाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक, ये लाइन है, व्हाट अबाउट दोज लवली व्हाइट शूज, तो वो जो लवली व्हाइट शूज थे, प्यारे सफ़ेद कलर के जो जूते थे, उनके बारे में क्या है जो तुमने, जो सॉ लास्ट वीक, जो तुमने लास्ट वीक देखा था या पिछले सप्ताह देखा था। तो आई डोंट वांट दोज, मैं उन्हें नहीं चाहती, मुझे नहीं चाहिए वो इधर, या मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू मदर, नीना बोलती हैं कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू। नीना मदर वाज अपसेट, नीना की माँ जो है अपसेट थी, कोई भी अपसेट हो जाएगा जब उसके बच्चे ऐसे करेंगे तो। बट सी सैड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। दे वेंट बैक होम हैड लंच एंड हैड लंच, दे वेंट बैक, वो क्या हुआ, घर आ गई, बैक होम एंड हैड लंच, और लंच किया, लंच मतलब दोपहर में जो खाना खाते हैं उसे लंच ही बोलते हैं। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना, लंच के बाद मदर, मम्मी नीना की आती हैं एंड सेट
सेट नियर नीना. सिट का सेकेंड फॉर्म है सेट, मतलब सिट मतलब बैठना होता है, और ये सेट है जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं. तो और स्टोरीज अक्सर जो है पास्ट में ही होती हैं. तो सेट नियर नीना, और वो नीना के पास बैठ जाती हैं. व्हाट इज इट चाइल्ड, ये क्या है बच्चा, सी आस्क्ड, वो पूछती हैं. व्हाई डिड यू सो से नो टू एवरीथिंग, तुम सभी चीज हर चीज को या सभी वस्तुओं को ना क्यों बोल रही हो, या ना क्यों बोल रही थी. वो दुकान के बारे में बात कर रही है, जब वो कपड़ा खरीदने के लिए या शूज़ खरीदने के लिए बाहर मार्केट में गई थी, तो नीना हर चीज़ को ना बोल दी, तो उसी को बोल रहे हैं कि वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुम हर चीज़ को ना क्यों बोल रही थी. ये नीना की मदर है, ये नीना की मदर है, और ये नीना है. नीचे चलते हैं. तो नीना जो है क्या बोलती है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी. मदर मम्मी आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, मैं शादी में नहीं जाना चाहती. बट वाई, लेकिन क्यों. नीना सेड नथिंग, नीना कुछ नहीं बोलती है. इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है के अलावा. तो इसका सेंस ये निकलेगा कि नीना कुछ के कुछ बोलने के अलावा, टू बिग टीयर रोल डाउन हर चीक, दो बड़े आंसू या आंसू की जो बूंदें होती हैं, रोल डाउन हर चीक, उसके गाल पे आ जाते हैं. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, मदर जो है नीना की, वो अपने बाहों को नीना के चारों ओर फैला लेती हैं. डोंट क्राई माई पेट, रोते नहीं मेरे बच्चे, सी सेड, उन्होंने कहा. उन्होंने कहा मतलब नीना की मदर बोलती हैं. व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, कह रही तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो कि क्या तुम्हें परेशान कर रहा है. मोर टीयर रोल डाउन नीना सी, और ज्यादा टीयर जो है आंसू नीना के गाल पे आ जाते हैं. मदर, नीना बोलती है मदर, देयर्स इज अ स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, कहती है कि मम्मी मेरे रूम में बुक सेल्फ के ऊपर, जो बुक रखने की जगह है उसे बुक सेल्फ बोलते हैं, तो बुक सेल्फ के ऊपर क्या है, एक स्पैरो, स्पैरो मतलब एक चिड़िया का नाम होता है स्पैरो, जिसे गौरैया बोलते हैं. क्या है स्पैरो का जो है नेस्ट है, घोंसला है. एंड देर आर टू बेबी स्पैरो इन नेस्ट, इन द नेस्ट, और दो बेबी स्पैरो हैं उसमें, दो बेबी स्पैरो उसमें हैं. आई सी सेड मदर, मामा बोलते हैं कि आई सी, मैं देखती हूँ या मैंने देखा है. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर, वो अभी बिगनिंग शुरू कर रहे हैं टू गेट देयर फेदर. एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हैंग्री, और वो बढ़ रही हैं अभी, वो क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं, ग्रो हो रही हैं, और जो उन्हें क्या करता है, मेक देम सो हैंग्री, जिसकी वजह से वो हमेशा भूखी रहती हैं. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, पूरे दिन वो क्या चिल्लाती हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि चिड़िया कुछ जो है क्रिप क्रिप चिल्लाती हैं, चिप चिप. तो ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप, आस्किंग फॉर फूड, और वो क्या करती हैं, खाना मांगती हैं. आई सी मदर सेड, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम जाएंगे, इफ वी गो अगर हम जाते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो पूरा जगह क्या होगा, लॉक हो जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, अगर हम चले जाएंगे शादी में सभी लोग, तो सारे जगह को क्या कर देंगे, होल प्लेस सभी जगह को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, क्योंकि कोई भी कहीं जाएगा तो घर को बंद करके ही, लॉक करके ही जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो, जो बेबीज स्पैरो थे उनके जो मम्मी पापा थे, जो मामा एंड पापा स्पैरो थे, वो अपने बच्चों को तो फीड कैसे करेंगे, फीड मतलब होता है भोजन, भोजन देना, तो वो कैसे भोजन देंगे या उन्हें भोजन कैसे लाएंगे. ओ नीना, क्राइड मदर,
ओ नीना, नीना की माँ बोलती है ओ नीना गिविंग हर ए बिग हग, उसे एक बड़ा जो है क्या देती हैं, गिविंग हर ए बिग हग, उसे एक बड़ा हग देते हुए, हग मतलब होता है गले लगाना, तो उसे गले लगाते हुए बोलती हैं ओ नीना इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, अच्छा तो इसलिए तुम शादी में नहीं जाती हो, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम थोड़े है, वी विल लीव द विंडो ओपन, हम क्या करेंगे विंडो को जो खिड़की है उसे क्या करेंगे ओपन करेंगे, ओपन छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं मामा, कैन वी रियली, क्या सच में, एस एस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, कहती हैं कि यस यस हाँ हाँ वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, हम तुम्हारे सारी वस्तुओं को क्या करेंगे रूम से बाहर निकाल देंगे, एंड लॉक द डोर, और डोर को दरवाजे को क्या करेंगे लॉक कर देंगे ऑन द आउटसाइड बाहर से, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, जिससे कि हाउस क्या होगा परफेक्टली सेफ रहेगा, एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू, और घर भी घर जो है कि क्या रहेगा परफेक्टली सेफ रहेगा, एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू, और पापा और मामा स्पैरो भी फ्रीली आ जा सकेंगे, आ और जा सकेंगे, जस्ट थिंक नीना, जरा सोचो नीना, वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम अपना या अपने आप को इंजॉय करोगी अपने आप वहाँ शादी में, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन दियर नेस्ट, गुड आइडिया इज नॉट, तो मामा बोलती हैं कि जरा सोचो जब तुम वहाँ शादी में इंजॉय कर रही होगी, द बेबी स्पैरोज, जो बेबी स्पैरोज हैं विल बी गेटिंग नाइस, वो क्या होंगे नाइस मतलब खूबसूरत, एंड फैट और मोटे हो जाएंगे, इन दियर नेस्ट अपने घोंसले में, गुड आइडिया इज इट नॉट, ये सही आइडिया है ना, इट वॉज ए गुड आइडिया, हाँ ये सही आइडिया था, वे नीना कैम कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना क्या करती है कम बैक फ्रॉम वेडिंग, जब वो शादी से कम बैक मतलब वापस आती है फ्रॉम वेडिंग, देर वेयर टू प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है मोटे ताजे, तो देर वेयर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, तो क्या होता है कि जब वो आती है शादी से, तो देर वेयर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो, तो दो मोटे छोटे स्पैरो क्या करते हैं फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वो क्या कर रहे होते हैं उड़ रहे होते हैं पूरे रूम में, एंड वाज नॉट लीला नीना थ्रिल, और नीना क्या होती है थ्रिल होती है, थ्रिल मतलब होता है कि शॉकिंग और हैप्पीनेस का जो न्यूज मिलता है, तो उसे न्यूज ही एक तरह से रहता है, क्योंकि नीना जब वेडिंग से आती है तो देखती है, तो वो उसके लिए एक न्यूज की तरह ही रहता है, तो वो देख के थ्रिल्ड होती है खुश होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें इसको लिखा किसने है तो प्रतिभानाथ ने, इसकी जो ऑथर है वो है प्रतिभानाथ, ओह सॉरी लेट मी टेक सम वाटर, ओके न्यू वर्ड्स इन द सेंस कि नए शब्द जो हमने सीखे हैं इसमें, तो वो क्या है मार्केट, मार्केट मतलब बाजार, ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स तो आप समझ ही गए होंगे, प्रॉब्लम मतलब समस्याएं, ड्रेस, अपसेट मतलब थोड़ी उदास, रिमूव कर देना निकाल देना, वेडिंग शादी, लवली प्यारे, प्लम्प मतलब मोटे। अच्छा इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर को पीडीएफ्स नहीं करेंगे, हम ऐसे ही आपको हिंदी में समझा देते हैं अच्छे से, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, उसमें से थोड़ी ढूंढिए आप भी कुछ करिए, ठीक है, और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जो है कि एक नया वीडियो बना देंगे इस पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीना हाउस, नीना के घर में क्यों ग्रेट जॉय था, बहुत खुशी का माहौल क्यों था, तो बिकॉज
नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, नीना की जो आंटी थी वो क्या कर रही थी, आंट थी, वो गेटिंग मैरिज, उनकी शादी हो रही थी या वो शादी कर रही थी। दूसरा क्वेश्चन है वाई वॉज नीना वरिड, नीना चिंतित क्यों थी, वरिड मतलब था चिंतित। तो इसका आंसर हो जाएगा नीना बेबी स्पैरोज के बारे में चिंतित थी, नीना वॉज वरिड अबाउट बेबी स्पैरोज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड मदर सजेस्ट, तो मम्मी ने, नीना की मम्मी को जब ये प्रॉब्लम पता चला कि नीना अपसेट क्यों है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बताया कि हम जो है कि वी विल लीव द विंडो ओपन, हम लोग क्या करेंगे विंडो को ओपन छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे। और आंसर छोटा और क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत बड़ा आंसर लिख रहे हैं आपको लर्न करने में भी प्रॉब्लम हो या इस तरीके से, तो इसलिए छोटा लिखिए तो अच्छा रहेगा आपको लर्न करने में। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, तो क्या फाइंड मतलब नीना क्या पाती है जब वो शादी से वापस आती है। नीना फाउंड टू प्लम्प स्पैरोज हु वर फ्लाइंग इन नीनाज रूम, जब नीना वापस आती है तो वो क्या नीना पाती है कि दो स्पैरोज होते हैं जो प्लम्प थोड़ी मोटे ताजे स्पैरोज होते हैं, वो क्या करते हैं नीना के रूम में घूमते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 3 के यूनिट 3 का पोएम करेंगे जिसका नाम है लिटिल बाई लिटिल। ये कहानी एक जो है कि ओक ट्री के सीड की है, जिसे हम एकॉर्न भी बोलते हैं, वो कैसे बड़ा होता है, कैसे ज़मीन में दबा होता है, फिर उसके बाद निकलता है, ये सारी चीज़ें इसमें यही डिस्क्राइब किया गया इस पोएम में। और इसमें जो है कि कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट में हैं और कुछ सेंटेंसेस पास्ट में हैं, तो उसको हम देखेंगे। और इससे पहले हम इसको एक्सप्लेन करें, इसे पढ़ लेते हैं एक बार और फिर एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, ओके। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, ऊपर दो लाइन लिखा हुआ, इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टीनी सीड, रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। पोएम का टाइटल है लिटिल बाई लिटिल। लिटिल बाई लिटिल एन एकॉर्न सेट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉइजी बेड। मॉइजी बेड यहाँ पे जो है कि मॉइजी मतलब होता है दलदली, और बेड का मतलब होता है, यहाँ पे आप सोने वाला बेड नहीं समझेंगे, बेड इन द सेंस मिट्टी को कहा गया इसमें। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे लिटिल बाई लिटिल ईच डे इट ग्रीव लिटिल बाई लिटिल इट सीव द ड्यू डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेट लाइक रूट अप इन द एयर स्प्रैंग अ टीनी सूट डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर लिटिल बाई लिटिल द लीव्स अपीयर एंड द स्लेंडर ब्रांचेस सेपरेट फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक्स इज द फॉरेस्ट्स प्राइड। इसमें न्यू वर्ड्स जो हैं वो हैं हिडन स्लोली डाउनवर्ड स्लेंडर माइटी ब्रांचेस प्राइड इम्प्रूविंग सेव्ड एंड सूट। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इवन यद्यपि द बिगेस्ट ट्री बिगिन लाइफ, जो एक सबसे बड़ा पेड़ होता है उसकी जो बिगिन लाइफ होती है एज टीनी सीड, वो कैसे शुरू होती है या कैसी होती है शुरू में, वो एक टीनी सीड से होती है शुरुआत, वो टाइनी मतलब छोटा, सीड मतलब होता है क्या बीज। रीड अबाउट हाउ लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग, तो चलिए पढ़ते हैं कि एक लिटिल एकॉर्न जो होता है, एक छोटा ओक का जो बीज होता है वो कैसे बड़ा होता है या कैसे बड़ा हुआ, ग्रीव है ये पास्ट टेंस में आएगा। लिटिल बाई लिटिल धीरे धीरे एन अकॉन सेट, एक अकॉन बोला कि
as it slowly sank in its noisy bed. Slowly मतलब धीरे धीरे, sank sank मतलब होता है डूबना, और ये जो है सेकेंड फॉर्म है. सिंक का शायद इफ आई एम राइट, तो सिंक का, हाँ सिंक का ही सेकेंड फॉर्म sank होता है. इन इट्स मॉइजी बेड, वो अपने जो है कि मॉइजी बेड में क्या होता है, स्लोली थोड़ी जो है कि क्या होता है, sank मतलब डूबा हुआ होता है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं क्या कर रहा हूँ प्रत्येक दिन, एवरी डे. आई एम इम्प्रूविंग, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रत्येक दिन क्या कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे, हिडन मतलब छिपा हुआ, डीप इन द अर्थ पृथ्वी में, अर्थ में डीप मतलब होता है पृथ्वी की, डीप मतलब होता है गहराई, तो पृथ्वी की गहराई में क्या होता है, अंदर छिपा हुआ होता है. लिटिल बाई लिटिल, धीरे धीरे, ईच डे इट ग्रीव, और ये क्या हुआ कि ईच डे मतलब प्रत्येक दिन ये क्या हुआ, बढ़ा. लिटिल बाई लिटिल इट सीव्ड द डीप, सीव्ड मतलब होता है पीना, तो सीव्ड सेकेंड फॉर्म है, तो पिया. द ड्यू, ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदे, तो क्या होता है ये धीरे धीरे क्या करता है कि ओस की बूंदों को भी पीता है. फिर आगे देखते हैं, डाउनवर्ड नीचे की ओर, इट सेंट इसने भेजा, क्या भेजा, आउट अ थ्रेड लाइक रूट, एक थ्रेड मतलब होता है धागा, तो ये नीचे की ओर क्या किया कि रूट को, जो अभी ये बीज है क्योंकि ये छोटा है, अभी यहाँ दिखाया हुआ है, ये जो है यहाँ छोटा सा एक पेड़ दिख रहा होगा आपको, तो उसकी बात कर रहा है. तो ये आप देख रहे हैं कि पतले पतले नीचे रूट निकले हुए, तो ये उसी को बोल रहा है कि डाउनवर्ड नीचे की ओर, इट सेंड इसने भेजा, आउट ए थ्रेड लाइक रूट, थ्रेड मतलब धागों की तरह, रूट को अपने जड़ों को नीचे की तरफ भेजा. अप इन द एयर, और ऊपर, इन द एयर हवा में, स्प्रैंग ए टीनी सूट, तो टीनी मतलब बहुत छोटा, और सूट मतलब क्या होता है, टहनिया, तो इसने अपने छोटे छोटे टहनियों को क्या किया, हवा में ऊपर की ओर भेजा. डे बाई डे दिन प्रतिदिन, एंड ईयर बाई ईयर और सालों साल, लिटिल बाई लिटिल धीरे धीरे, द लीव्स अपीयर, और क्या हुआ धीरे धीरे इसमें क्या होते हैं, लीव्स भी अपीयर हो जाते हैं, ठीक है. तो ये धीरे धीरे, पहले तो ये बीज था, फिर बीज से ये धीरे धीरे जो है कि इसमें से रूट्स निकले पतले पतले थ्रेड लाइक, फिर उसके बाद ये जो है कि सूट, इसने सूट मतलब तना भी कह सकते हैं, तो इसने अपने सूट को ऊपर भेजा, और उसके बाद क्या होता है, लिटिल बाई लिटिल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे लीव्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, अपीयर निकल आते हैं. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस, स्लेंडर मतलब पतले पतले ब्रांचेस, शाखाएं, सेपरेट फार एंड वाइड, और क्या करते हैं, सेपरेट मतलब फैल जाना, सेपरेट फैल जाना, फार एंड वाइड दूर दूर तक, ठीक है. टिल द माइटी ओक्स, अब ये क्या होता है, बड़ा जब हो जाता है तो इसे ओक्स बोलते हैं, मैंने बताया था पहले, ओक्स इज द फॉरेस्ट प्राइड, और तब तक ये फैलते हैं जब तक कि ये माइटी मतलब विशाल का है, बहुत बड़ा, और प्राइड मतलब होता है अभिमान, किसी जंगल का अभिमान बन जाता है, तब तक ये फैलती हैं जब तक ये जंगल में सबसे बड़ा पेड़ ना बन जाए, उस जंगल का अभिमान ना बन जाए, ठीक है. हिडन, हिडन मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, हिडन मतलब छिपा हुआ. स्लोली मतलब धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे. डाउनवर्ड नीचे की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर. फिर क्या है, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब होता है पतला. फिर माइटी, माइटी मतलब होता है विशाल. ब्रांचेस मतलब होता है शाखाएं. प्राइड, प्राइड मतलब अभिमान. इम्प्रूविंग मतलब होता है इम्प्रूव करना, मतलब सुधार करना. सिप्ड, सिप्ड मतलब क्या होता है, पीना या पिया, यहाँ पे सिप्ड है सेकेंड फॉर्म. सूट, सूट मतलब क्या होता है, इसकी शाखा या टहनिया, नहीं सूट मतलब सॉरी शाखा नहीं टहनिया होता, ठीक है. नीचे चलते हैं, रीड इज फन, अब इसमें नीचे जो है कि क्वेश्चन आंसर है, तो मैं इसको पीपीटी के द्वारा आपको समझा दूंगा, और इसके अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू बाबा, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय.
हेलो एवरीवन, हम क्लास 3 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हमने एक पोएम पढ़ा था जिसका नाम था लिटिल बाई लिटिल। और इस क्लास में हम उस पोएम जो लिटिल बाई लिटिल पोएम हमने पढ़ा था उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेम द ट्री डेट द एकॉर्न ग्रो इन टू। तो कह रहा है कि उस पेड़ का नाम बताइए जिसमें ये जो एकॉर्न होता है वो जो बड़ा होता है तो उसमें जिसमें ये बदल जाता है, ठीक है। एकॉर्न इन टू मतलब हो जाना, तो ये किसमें हो जाता है जब बड़ा होता है, तो द एकॉर्न ग्रो इन टू एन ओक ट्री। तो ये किसमें हो जाता है, एक ओक ट्री में बदल जाता है जब ये बड़ा होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, What things does a seed need to grow? एक बीज को जो है कि बढ़ने के लिए या डेवलप करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो a seed needs air, water and soil to grow। एक सीड को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर हवा की, वाटर पानी की एंड सॉयल और अच्छी मिट्टी की, ठीक है, क्या करने के लिए, बढ़ने के लिए। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। आप इस पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड मैंने मेंशन कर दिए हैं और उनको जो है कि बता देते हैं हम कि कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, और इन्हें डिस्क्राइब नहीं करना है आपको, सिर्फ लिख देना है डिस्क्राइबिंग वर्ड को। ये इतना ही पूछा है और हम इतना ही करेंगे, क्योंकि डिस्क्राइब करने लगेंगे तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोएम आर स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है। इम्प्रूविंग, जैसे बीज कैसे डेवलप कर रहा था, स्लोली स्लोली, तो इसी तरीके से ये डिस्क्राइबिंग वर्ड एक हो गया, ठीक है। इम्प्रूव कर रहा था ना, लिटिल बाई लिटिल इम्प्रूविंग, ये द सीड वाज इम्प्रूविंग लिटिल बाई लिटिल, तो इसीलिए इसको मेंशन किया गया। इसी तरह डीप, स्लीप, टाइनी, स्लेंडर, माइटी, इटीसी, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द टू पिक्चर, ये जो दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, फाइंड 4 थिंग्स डैट आर, कितने थिंग्स, 4 थिंग्स डैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्री एंड टॉक अबाउट देम। मतलब ये जो दो पेड़ दिखाए इसमें 4 डिफरेंट थिंग्स बतानी है आपको, 4 अलग अलग चीज़ें बतानी है इन पेड़ के बारे में। तो पहले थोड़ी पेड़ को बढ़ा करके देखते हैं, ये रहा पेड़, आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी फिगर क्लियर नहीं आ रही लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें देखिए घोंसला दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ घोंसला दिख रहा है, यहाँ जो है कि ये लाफिंग, ये हंस रहा है, स्माइलिंग, यहाँ भी ये स्माइल कर रहा है, यहाँ एक बच्चा है, ठीक है। और इसमें वही चेंज है, ये कटा हुआ है, ठीक, और उसके बाद यहाँ से चिड़िया एक उड़ रही होगी, ये ऊपर ढक गया है, यहाँ एक चिड़िया उड़ रही है, ठीक। आफ्टर डैट यहाँ देखिए कुछ जल रहा है, ये वेप कर रहा है, क्या कर रहा है, रो रहा है, ठीक है। ये टायर है, ठीक, यहाँ एक रबर है, ठीक है, बुक में देखेंगे तो दिखेगा, बुक है तो आप बुक को ओपन करके ही बैठा करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, खैर। और यहाँ देखिए ये जो ट्री है वो क्या कर रहा है, रो रहा है, ठीक। इस तरह से आइए देखते हैं इसमें क्या होता है, हमने मेंशन किया हुआ है। तो इसका आंसर है, एक मिनट, हाँ, आंसर है फर्स्ट, द पिक्चर वन शोज, ये पिक्चर वन है, ठीक, क्या कर रहा है, शोज दर्शाता है, डैट द ट्री विच गिव्स अस मेनी एसेंशियल थिंग्स। ये दिखाता है कि जो ट्री होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो पौधा है, वो हमें क्या क्या देते हैं, मच मेनी एसेंशियल थिंग्स, मतलब बहुत सी जरूरी वस्तुएं देते हैं। इन कंट्रेरी मतलब, कंट्रेरी मतलब एक तरह से उल्टा कह सकते हैं, और इसमें जो है कि हाँ ठीक है, दूसरे में, ठीक, इन कंट्रेरी पिक्चर, सेकेंड जो टी नंबर सेकेंड है, शोज हाउ वी हार्म द ट्री इन मेनी वे। इसमें दूसरे वाले पिक्चर में ये शो कर रहा है कि कैसे जो है कि हम, मतलब हम ह्यूमन बींग्स, हार्म द ट्री, पेड़ को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं इन मेनी वेज, कई तरीकों से। सेकेंड है,
सेकेंड है इन पिक्चर फर्स्ट द ट्री गिव्स अस मेडिसिन व्हाइल इन पिक्चर सेकेंड वी आर बर्निंग वुड अराउंड इट. कह रहा है कि पिक्चर वन में दिया है फर्स्ट पिक्चर में कि ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन. ट्रीज हमें क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं. पौधा हमें मेडिसिन देता है, पेड़ हमें मेडिसिन देता है. और सेकेंड में क्या है? वी आर बर्निंग वुड अराउंड इट. और हम क्या कर रहे हैं? इसके चारों ओर जो है क्या कर रहे हैं? लकड़ी जला रहे हैं. बर्निंग वुड, या ये कह सकते हैं कि इसी के वुड को जला रहे हैं. ठीक है. थर्ड है द स्टीम एंड लीव्स ऑफ द ट्री इन पिक्चर वन. कह रहा है कि पिक्चर वन में जो स्टीम, स्टीम मतलब तना होता है, जो ऊपर ब्रांच होते हैं, शाखाएं होते हैं, उनसे नीचे और रूट से ऊपर जो बीच में का मोटा वाला भाग होता है पेड़ का, वो होता है स्टीम. तो कह रहा है कि द स्टीम एंड लीव्स, और स्टीम एंड लीव्स पत्ते और स्टीम जो उसका तना है, ऑफ द ट्री इन पिक्चर वन फर्स्ट पिक्चर में आर स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे हैं. वेयर इज दीज ऑफ द ट्रीज इन पिक्चर टू, जबकि वे इन पिक्चर टू सेकेंड पिक्चर में आर सैड एंड वेपिंग, वो क्या है? दुखी हैं एंड वेपिंग, क्या कर रहे हैं? वे वेप कर रहे हैं, रो रहे हैं. ठीक. फिर फोर्थ क्या है? द पिक्चर वन, पिक्चर वन जो है शोज दैट द बर्ड आर हैप्पी इन दियर नेस्ट ऑन द ट्री. इसमें शो क्या किया है कि जो बर्ड हैं, ठीक है, बर्ड्स आर हैप्पी इन दियर नेस्ट ऑन द ट्री, वो जो पेड़ पे घोंसला है उसमें वो खुश हैं अपने घोंसले में. ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ इन पिक्चर टू, पिक्चर टू में द बर्ड्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री, वो क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं, मतलब जा रही हैं अवे, दूर, ड्यू टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाई द ह्यूमन. किसके वजह से? जो प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. फिर क्वेश्चन फाइव है लुक एट द पिक्चर वन, राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन व्हाट ट्री गिव्स अस. कह रहा है कि पिक्चर वन को देखिए और तीन सेंटेंस राइट कीजिए, किस पे? व्हाट द ट्रीज गिव अस, पौधे हमें क्या क्या देते हैं. तो चलिए देखते हैं आंसर में. फर्स्ट, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो पौधे होते हैं वो हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स मतलब फल एंड वेजिटेबल, सब्जियां देते हैं. सेकंड, दे गिव्स अस फ्रेश ऑक्सीजन, वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी देते हैं. दे गिव वुड फॉर शेल्टर, वो हमें शेल्टर रहने के लिए जो घर बनाते हैं उसके लिए क्या देते हैं? वुड देते हैं. फिर फोर्थ है दे प्रोवाइड अस मेडिसिन, वो हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक. क्वेश्चन नंबर सिक्स है नाउ लुक एट पिक्चर टू, अब पिक्चर टू को देखिए, राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्री. कह रहा है कि अब आप तीन सेंटेंस उस पर लिखिए कि हम पेड़ों को कैसे हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. ये देख रहे हैं, इस पेड़ को देखना है. ठीक है. तो एक मिनट इसे इरेज कर लेते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं. तो आंसर में है फर्स्ट, वी कट ब्रांचेस, फर्स्ट जो है वी कट ब्रांचेस ऑफ ट्री फॉर बर्निंग, हम पेड़ की शाखाओं को जो टहनियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं? काट देते हैं. किस लिए? जलाने के लिए. सेकंड है डेट कॉजेस पॉल्यूशन बाय सीटिंग ऑफ इंडस्ट्री. कह रहा है कि ये जो पेड़ कट जाते हैं, ठीक है, उससे जो है कि जो हम इंडस्ट्री पेड़ काट के सीटिंग कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, वो क्या होते हैं? डेट कॉजेस पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन प्रदूषण फैलाते हैं. थर्ड है वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक मतलब पालतू, तो वी प्लक मतलब तोड़ लेते हैं क्या? लीव्स, पत्तों को, फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल, फीड करने के लिए मतलब खिलाने के लिए, क्या? डोमेस्टिक एनिमल्स को जो पत्ते खिलाने के लिए हम तोड़ लेते हैं. फिर फोर्थ है वी कट ट्री टू मेक अवर हाउसेस. क्या कर रहा है कि वी कट, हम क्या करते हैं? काट देते हैं ट्रीज, पेड़ों को, टू मेक अवर हाउस, हम अपने घर बनाने के लिए काट देते हैं. कभी कभी उस जगह पे बनाना होता है, ठीक है, घर तो काट देते हैं, और या कभी कभी इसलिए काट देते हैं क्योंकि उसके लकड़ी की हमें ज़रूरत होती है. ठीक है. और थ्री बोला था हमने, फोर मेंशन किया हुआ है, अगर एक आका भूल गए तो कोशिश करिएगा पूरा याद करने का, अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं. ठीक. फिर है सेवन, सेवेंथ नंबर में है कि
दीज वर्ड डिस्क्राइब पार्ट ऑफ अ ट्री, कह रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं दिए हुए हैं, जैसे स्टेम दिया हुआ है, ये डिस्क्राइब करते हैं पार्ट ऑफ ट्री, मतलब पौधों के पार्ट्स को, ठीक है। राइट देम टू गिव इन स्पेस, उन्हें लिखिए क्या डिस्क्राइब वो करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट है स्टेम, तो आंसर में लिखा जाएगा इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री एंड हेल्प इन मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट, कह रहा है कि इट गिव्स स्ट्रेंथ, ये क्या देता है, मजबूती देता है टू, यू नो व्हाट, स्ट्रीम कौन से पार्ट को कहा जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, ये मिट्टी है, ठीक, और ये यहाँ से जो है कि इसके ब्रांचेस हैं, तो ये जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ये पार्ट है, ये वाला बीच वाला पार्ट, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टीम बोलते हैं, ठीक। तो स्टीम क्या करता है, वो मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ सीधा खड़ा होने में मदद करता है पेड़ को, ठीक। फिर सेकेंड है बाग, बाग क्या होता है देख लेते हैं, इट इज ब्राउन कलर, ये किस कलर का होता है, भूले रंग का होता है, पार्ट प्रेजेंट ऑन द स्टीम, और स्टीम पे ये प्रेजेंट होता है, ये रहता है। तो स्टीम जो होता है तना, तने के ऊपर देखेंगे तो बाग को हिंदी में छाल बोलते हैं, ठीक है। तो जब स्टीम को आप स्टीम के ऊपर किसी चीज़ से कुरे देंगे, ठीक है, तो पहले कुछ नरम परत निकलेगी और उसके बाद जो होता है वो स्टीम का थोड़ी कड़ा वाला भाग होता है। तो जो परत थोड़ी ज़्यादा नरम नहीं होती है, लेकिन स्टीम के तुलना में जो अंदर स्टीम होता है उसके तुलना में ये बाग जो होती है ये थोड़ी मुलायम होती है, ठीक है। तो जो है कि हाँ, कहाँ से, इट इज़ ब्राउन कलर्ड पार्ट, ये भूले रंग का पार्ट होता है, प्रेजेंट ऑन स्टीम, स्टीम पे होता है। फिर सी है लीव्स, लीव्स देखते हैं, लीव्स के बारे में तो आई होप कि आप लोग जानते हो, फिर भी चलिए। दीज आर ग्रीन इन कलर, ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, एंड मैनी इन नंबर, और बहुत सारे संख्या में होते हैं, दे मेक फूड फॉर प्लांट, और ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। कैसे मेक करते हैं, ज़्यादातर एक फोटोसिंथेसिस होता है, एक प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस कभी डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि सक करते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सक करते हैं, आफ्टर डैट सन की जो एनर्जी होती है उसको सक करते हैं, और ये जो है कि उसी से भोजन बनाते हैं, ठीक है। और डी है ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब होती हैं शाखाएं, दीज आर पार्ट्स एमर्जिंग फ्रॉम स्टीम, कह रहा है कि ये वो भाग होते हैं जो एमर्जिंग मतलब लगे होते हैं, ठीक है, किससे, स्टीम से, स्टीम मतलब होता है जो तना होता है उससे, विच द लीव्स ग्रो, ऑन विच द लीव्स ग्रो, जिसपे क्या करते हैं, पत्ते लगते हैं, ठीक है। बर्ड मेक दियर नेस्ट ऑन देम, और क्या करती हैं चिड़िया, उन पे, बर्ड्स मेक दियर नेस्ट ऑन देम, और उस पे क्या करते हैं, चिड़िया घोंसला बनाती हैं। ट्विन, अब ट्विन देखते हैं क्या होता है, दीज आर थिन, ये क्या होते हैं, पतले होते हैं, वीक ब्रांचेस, और क्या होते हैं, बहुत कमजोर जो ब्रांचेस होते हैं, जो कमजोर शाखाएं होती हैं उन्हें ट्विंग कहते हैं। एफ है, ये एफ है रूट, रूट तो आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी देखते हैं, दीज आर थिन लाइक थ्रेड, ये कैसे होते हैं, थिन लाइक थ्रेड मतलब धागे की तरह पतले होते हैं, एंड लॉन्ग पार्ट अंडर द अर्थ, और ये लंबा भाग होता है अंडर द अर्थ, किसके नीचे, अर्थ के नीचे होता है, विच होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, जो कि प्लांट को मिट्टी से लगाए रखता है, ठीक है, पकड़े रखता है, जिसकी वजह से प्लांट स्टैंड होता है, ठीक है। इसमें से जो रूट होता है वो पौधों में से ढेर, अरे मिट्टी में से, सॉरी, वो सॉइल में से बहुत सारी चीज़ें लेता है, जिसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में अपना भोजन बनाने में मदद मिलती है पौधे को। फिर जी है सूट, सूट का मतलब द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपरी भाग जो होता है, एबव द सॉयल इज कॉल्ड द सूट, ठीक है, मिट्टी के ऊपर जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, ठीक। मैच द अपोजिट, हमने डायरेक्ट मैच कर दिया है, ठीक है, और आप बुक में देख लेंगे, क्वेश्चन देखना होगा तो, और नहीं भी होगा तो हमने डायरेक्ट आंसर में इसमें जो है कि मैच्ड, ठीक है। डाउनवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, स्लोली, फास्ट, लिटिल, बिग, स्लेंडर, फैट, माइटी, वीक, डे, नाइट, अब देखते हैं मीनिंग। डाउनवर्ड नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, ठीक है, अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, ठीक।
ठीक है, स्लोली धीरे धीरे, फास्ट तेज, फास्ट को रैपिडली भी बोल सकते हैं, रैपिड, लिटिल बिग, स्लेंडर मतलब लिटिल छोटा, बिग बड़ा, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब होता है पतला, एंड फैट मतलब मोटा, माइटी विशाल का है, वीक कमजोर, डे दिन, नाइट रात, ठीक है। तब और ख्याल रखिएगा आप सभी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एवरीवन। हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास थर्ड की बुक जिसका नाम है मैरीगोल्ड, तो हम लोग मैरीगोल्ड बुक का यूनिट थर्ड मतलब चैप्टर थर्ड का पार्ट टू जिसका नाम है द एनॉर्मस टर्निप, तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इस स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे। क्या नाम है स्टोरी का? द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस मतलब होता है विशालकाय, टर्निप मतलब शलजम, ठीक है, तो विशालकाय शलजम। तो आइए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, एक बार की बात है, ठीक है। एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मतलब बूढ़ा व्यक्ति, प्लांटेड, प्लांटेड मतलब होता है लगाना या ये कहें बोना, ठीक है, प्लांटिंग करना, ठीक है। सम टर्निप सीड्स, कुछ शलजम के जो है क्या बीज प्लांट करते हैं, लगाते हैं। द टर्निप सीड ग्रीव, जो टर्निप के सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीव, बड़े होते हैं। द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव, और वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिन्होंने वो टर्निप का प्लांट लगाया था, वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू पुल द एनॉर्मस टर्निप, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एनॉर्मस जो बड़ा शलजम का शलजम है या शलजम का पेड़ है, मैं इसे पुल, आई वॉन्ट मतलब चाहता हूँ, टू पुल क्या करना है, उसे खींचना, यूँ कहें तो उसे मिट्टी से वो निकालना चाहते हैं, ठीक। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, वो क्या करते हैं, खींचते हैं और ज़्यादा खींचते हैं। बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते हैं, पुल अप, वो उसे ऊपर नहीं निकाल पाते हैं या उसे ऊपर नहीं खींच पाते हैं, किसको, द एनॉर्मस टर्निप को, जो विशाल का है शलजम होता है उसे, ठीक है। एन ओल्ड ओमैन केम, फिर क्या होता है, एक ओल्ड ओमैन मतलब एक ओल्ड, जो वो भी बूढ़ी रहती हैं, कौन रहती हैं, ओमैन, ओमैन मतलब औरत, क्या करती हैं, आती हैं। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन जो होते हैं वो बोलते हैं, आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस, मैं उस एनॉर्मस जो विशाल का है टर्निप है शलजम है, मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, ऊपर खींचना चाहता हूँ, वो बूढ़ी औरत से बोलते हैं। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, सेड द ओल्ड ओमैन, जो बूढ़ी औरत होती हैं वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड ओमैन पुल्ड एंड पुल्ड, तो जो ओल्ड मैन होते हैं और ओल्ड ओमैन होती हैं, वो दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, टर्निप को खींचते हैं और ज़्यादा खींचते हैं। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन टर्निप, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो दोनों लोग मिल करके भी उसे ऊपर नहीं खींच पाते हैं। ए बॉय केम, फिर क्या होता है कि एक लड़का आता है बॉय केम, तो फिर कौन बोलता है, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड ओमैन, सेड द ओल्ड ओमैन, जो बूढ़ी औरत होती हैं वो उस बच्चे से बोलती हैं कि वी वॉन्ट, हम, अब यहाँ हम हो जाएगा क्योंकि दो लोग हैं तो वी हो जाएगा, आई नहीं होगा। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, हम उस बड़े से विशाल काय टर्निप शलजम को क्या करना चाहते हैं, पुल्ड अप, खींच, ऊपर खींचना चाहते हैं, सेड द ओल्ड ओमैन, वो ओल्ड ओमैन बोलती हैं। तो लड़का बोलता है आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय, जो बच्चा है जो लड़का रहता है वो बोलता है आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, यहाँ ये बच्चा है, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द ओमैन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, ये जो ओल्ड मैन हैं बूढ़े बाबा जी हैं वो, द ओल्ड ओमैन जो बूढ़ी महिला हैं, एंड द बॉय और जो लड़का रहता है
पुल्ड एंड पुल्ड, वो लोग मिलके बहुत खींचते हैं। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो भी उसे नहीं खींच पाते हैं, वो बाहर नहीं खींच पाते हैं। एक गर्ल के एक लड़की आती है, तो क्या होता है, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। लड़का बोलता है कि हम जो है कि क्या चाहते हैं, इसे एनॉर्मस टर्निप, जो ये एनॉर्मस टर्निप है उसे क्या करते हैं, ऊपर खींचना चाहते हैं। तो लड़की बोलती है आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल, लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे आप लोगों की मदद करूंगी। ठीक है, तो द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमैन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, क्या करते हैं कि ये लोग भी मिलके खूब खींचते हैं, पुल्ड एंड पुल्ड ये लोग भी खींचते हैं। अप केम द एनॉर्मस टर्निप, और जो एनॉर्मस जो बड़ा सा टर्निप का पेड़ होता है वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है। वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वोमैन एंड द बॉय एंड द गर्ल। तो ये जो जब वो बाहर आ जाता है एनॉर्मस टर्निप, तो वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप, तो ये लोग क्या बोलते हैं, कौन बोलता है, सेड द ओल्ड वोमैन, बूढ़ी औरत, एंड द बॉय और लड़का, एंड द गर्ल जो लड़की रहती है, वो तीनों मिलके क्या बोलते हैं, वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप, हम आपकी मदद करेंगे क्या करने में, खाने में भी, क्योंकि खिंचवाने में तो बहुत मदद किया उन्होंने, तो इसलिए खाने में भी मदद करते हैं, करने के लिए बोलते हैं, एंड दे डिड, और वे ऐसा करते भी हैं।